शर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बांदा के प्रयागराज नेशनल हाईवे में श्रद्धालुओं से भरी ऑल्टो कार की रोडवेज बस से टक्कर हो गई, जिसमें से 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा बांदा के प्रयागराज नेशनल हाईवे में हुआ है, जहां सावन के मौके पर छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के खेरवा गाँव के एक परिवार ऑल्टो कार से चित्रपुर दर्शन करने गए थे। वापस लौटते समय महुआ गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी ऑल्टो कार की रोडवेज बस से टक्कर हो गई। इस हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, वह 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जिसमें 1 श्रद्धालुओं की उपचार के दौरान ही मौत हो गई। 2 लोगों को अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही डीएम व एसपी भी घटनास्थल अस्पताल पहुंचे व घायलों के अच्छे उपचार के निर्देश दिए। इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है तथा 4 शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पेश है बांदा से अरबाज खान की एक खास रिपोर्ट। राम बाबू विश्वकर्मा कहाँ रहते हैं? खेरवा में। कहाँ पड़ता है? ये महाराजपुर थाने में पड़ता है, टटम के पास में, जिला छतरपुर। ये मृतक कौन है आपके? मृतक एक हमारा छोटा भाई है, रोहित विश्वकर्मा, छोटा भाई है हमारा। क्या क्या नाम है? अलग अलग बताइए। और एक छोटा भाई हमारा रोहित विश्वकर्मा हो गया, एक चचेरा भाई राजेश विश्वकर्मा है और एक राजेश सिंह है और शिवम पटेरिया है। तो ये कहाँ? वही एक ही गांव के हैं सब? हाँ, सभी के गांव के, मोहल्ला की भी। कहाँ जा रहे थे ये? चित्रकूट गए थे, चित्रकूट से वापसी आ रहे थे। कहाँ की घटना हुई थी ये? बांदा के पहले महुआ गांव पड़ता, उधर रोडवेज से हुई। ये कहे में थे या अल्टो में? पंचनामा में कौन रहा? एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 6 मरीज घायल हुए थे, जिसमें 3 की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, 2 अज्ञात थे, 1 की शिनाख्त हो गई और 3 को यहाँ जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान 1 की अभी मृत्यु हो गई है, 2 मरीज का इलाज चल रहा है। टोटल 4 मरीज का मृत्यु हो गई। अभी जो मरीज यहाँ पर इलाज चल रहा है उनकी कंडीशन क्या है? स्थिति उनकी अभी 12 घंटे बाद बताई जाएगी। इंजीनियरिंग जानकारी पता लगा है, छतरपुर का एक गांव है, लोग ऑल्टो गाड़ी में सुबह निकले थे और ये भी बताया जा रहा है कि चित्रकूट में रात आए थे, चित्रकूट निकले थे, उधर से जा रहे थे वापस। ये बता रहे 6:10 पे हमारा एक थाना सेवा है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मौके पर 3 लोगों की डेथ हो गई। तत्काल हमारे पुलिस के अधिकारी और हमारे दूसरे सभी लोग इनको यहाँ होटल में लाए, यहाँ भी एक कैजुअल्टी हो गई और अभी एक जो क्रिटिकल था उसको हम लोगों ने उनके परिवार के साथ उनको झांसी भेजा गया है और एक जो और बचे हैं उनको तुरंत मेडिकल कॉलेज से भेजा गया है। वो मैं क्रिटिकल मेडिकल कॉलेज से जाती हूँ कि इनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए और इनके घर वालों को सूचित कर दिया गया है। अभी मैं डीएम छतरपुर से भी बात करूँगा कि जो भी हम लोगों से सहयोग कर सकेगा उसको किया जाए। कुल कितनी कैजुअलिटी है लगभग? अभी 4 कैजुअलिटी। अच्छा, गंभीर कितने लोग? नहीं, 2 लोग हैं, एक तो हाथी रेफर किया, एक मेडिकल बाइक।